हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने चैनल सक्सेस की 90 पे स्वागत करता हूँ। मैं शिवम सर आप लोग के लिए लेकर के आया यूपी पीटीसी डीएलएड में नई सोच नई पहल। इसमें हम लोग बात करेंगे, जब तक पेपर की डेट नहीं आ रही यानी पेपर जब तक नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करें, किस तरीके से तैयारी करें, किस तरीके से अगर हम लोग तैयारी करेंगे तो हमारे सबसे अच्छे नंबर आएंगे, सबसे ज़्यादा नंबर आएंगे, ठीक है। और ये भी आप सभी को मालूम है कि पेपर की डेट जो है वो 23, 24, 25 लगभग एक्सपेक्टेड रहने वाली है, ठीक है। तो चलिए इस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी जो डेट है वो 23, 24, 25 रहने वाली है लगभग के लिए एक्सपेक्टेड मैंने रखा है, ठीक है। ये भी बताया गया था कि जुलाई के लास्ट वीक में, ठीक है, जुलाई के लास्ट में बताया गया था। तो जुलाई के लास्ट वीक में मतलब क्या आता है, 23, 24, 25 आता है। तो इसमें हम लोग ये बात कर लेंगे किस तरीके से आखिर में हम लोग तैयारी करें, अच्छे से अच्छा नंबर लेकर के आएंगे, ठीक है। तो इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने पहले आपसे बता दें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन पेपर की डेट की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर आ गए हैं कि पढ़ाई करने के नए तरीके की आज हम लोग बात करेंगे, किस तरीके से हम लोग पढ़ाई करें। और 2020 में ये मोस्ट पॉपुलर हैं, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो ये तरीके आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हम लोग अच्छे से अच्छे पढ़ाई करें और बढ़िया से बढ़िया नंबर लेकर के आएँ, तो मेरे बताए हुए आप लोग तरीके पर अगर ध्यान देंगे, ठीक है, मेरे बताए हुए अगर तरीके पर अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आपको 100% श्योर सफलता प्राप्त होगी, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं। पहली की बात, यदि आप, ठीक है, नीचे दी गई बातों को ध्यान रखेंगे तो आप अच्छे से अच्छे नंबर लेकर के आएंगे। सबसे पहली बात क्या, सबसे पहले आपकी बात करना है, आप अपना धैर्य बनाए रखिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पेपर की डेट के बारे में इतना एक्साइटमेंट करते हैं, मतलब उनको कहीं से डेट की वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि वो मतलब इस दिन से पेपर होने वाला, तब वो पढ़ाई करें, तो ऐसी बात नहीं है। आपको पढ़ाई 100% करनी ही करनी है, चाहे पेपर जुलाई में हो और चाहे अगस्त में पेपर कराया जाए, ठीक है, लेकिन आपको करना क्या, 100% भाई पढ़ाई करनी ही करनी है, ठीक है। ये तो आपको मालूम है, बिना पढ़े, ठीक है, अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो क्या बिना पढ़े आपको नंबर मिलेंगे, बताइए आपको बिना पढ़े क्या नंबर मिल पाएगा अच्छा से अच्छा, आप हमें बताइए। आप बिना पढ़े अच्छे से अच्छे नंबर लेकर के आएंगे, नहीं आएंगे ना। तो इसलिए सबसे पहला ज़रूरी है कि आप धैर्य बनाए रखें। अगर आप लोग धैर्य बनाए रखेंगे तो देखिए डेट का क्या, डेट आज आ जाएगी, कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी, नर्सों आ जाएगी, अगले महीने में आएगी, अगले जब आएगी या प्रमोट कर दिया जाएगा, कुछ भी कर दिया जाएगा, लेकिन आप लोग ये बताइए, अगर आप लोग प्रमोट हो जाते हैं तो क्या आपकी जो पढ़ाई आपने किया है वो कोई ले लेगा, आप लोग बताइए। अगर आप प्रमोट हो जाते हैं तो आपकी पढ़ाई को कोई ले लेगा, या फिर अपनी पढ़ाई को आप किसी को दे देंगे, दान तो कर देंगे नहीं, आपकी पढ़ाई रहेगी। अगर वो अध्यापक बन जाएंगे या खुदा ना खास्ता आपके बच्चे हो गए, ठीक है, तो आप अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा दे सकेंगे, अच्छे से अच्छे स्टडी करा सकेंगे, है कि नहीं है, बताइए आप लोग, है ना, करा सकेंगे। इसलिए सबसे पहला पॉइंट हमने बनाया है, आप लोग धैर्य बनाए रखें। आगे क्या है कि परीक्षा की तारीख पर ध्यान न दें। अब परीक्षा की तारीख चाहे आज हो या आज के 10 दिन बाद हो या 2 दिन बाद हो या 20 दिन बाद हो, चाहे जब पेपर हो, लेकिन परीक्षा की तारीख पर हमें क्या करना है, ध्यान नहीं देना है। अभी आपके पहले रिजल्ट आया है, ठीक है, 3 दिन पहले हाई स्कूल और 10 और 12 का रिजल्ट निकल के आया था। देखिए, जो बच्चे अच्छा पढ़े थे उनको 96% मार्क्स मिले हैं, और जो बच्चे ये सोच रहे थे अरे हम पास हो जाए, तो वो पास हो गया, तो उसको 75 या फिर 65 या फिर किसी तरीके से वो पास हो गया है, ठीक है। तो आप लोग बताइए, आप क्या होना चाहते हैं, क्या केवल पास होना चाहते हैं या फिर 75% मार्क्स लाना चाहते हैं या 85% मार्क्स लाना चाहते हैं, आप लोग बताइए, ठीक है, आप लोग बताइएगा क्या चाहते हैं। अगला पॉइंट है कि आप लोग एक काम करिए, एक निश्चित टाइम टेबल बना लीजिए, समय सारणी बना लीजिए, ठीक है, उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप सभी की पढ़ाई करना। वैसे तो आप लोग बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आपको एक समय सारणी बना लेना है। जैसे समय सारणी कैसे बनाना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपके पास में क्या है टाइम, हमारे पास में निकल रहा है 7 बजे का टाइम है, 7 बजे के बाद मैं फ्री हो जाता हूँ, ठीक है। अब जैसे आपकी सब्जेक्ट, आपकी डीएलएड में जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी फोर्थ सेमेस्टर आपका होना है, ठीक है, तो जैसे आपके सेमेस्टर में क्या है 6 सब्जेक्ट हैं या 7 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, तो ये बना लिए कि 7:30 पर हमको मैथ पढ़ना है, ठीक है, कितनी देर पढ़ना है ये कम आती है, तो इसको हम क्या 1 घंटा पढ़ लेंगे, 8:30 से हमको साइंस पढ़ना है। तो इस तरीके से हम लोग क्या बना लेंगे, एक समय सारणी बना लेंगे। अगर इस समय सारणी के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ाई करेंगे तो आपको मैं कहता हूँ आज लिख लीजिए 99% मार्क मिलेंगे, ये मैं लिख करके दे रहा हूँ, 100% बता रहा हूँ कि ये मैंने किया है, आप लोग भी करिए, आप लोग भी इस समय सारणी का यूज़ करिए और अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे आपके, ठीक है। आगे क्या है, उस विषय
का चुनाव करें जो आपको कम आती है। समय सारणी में सबसे पहले उसको रखना है जिस विषय को आप लोग कम पढ़ पाते हैं या कम आती है, ठीक है। आगे क्या है कि सभी विषयों का समय अनुसार रिवीजन करें। मैंने अभी बताया आपको, समय के अनुसार रिवीजन करिए। एक टाइम टेबल बना लिए कि एक घंटा हमको ये पढ़ना है, एक घंटा ये पढ़ना है, आधा घंटा ये विषय पढ़नी है, तो इस समय से आप लोग क्या करिए, एक समय सारणी बना लीजिए, ठीक है। आगे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो उस किताब का चयन करें जिसे आप प्रतिदिन पढ़ाई करते हैं। कोई आपको न्यू बुक का यूज नहीं करना है, ठीक है। न्यू बुक जिसको आप नहीं जानते हैं या किसी ने कह दिया इस बुक से पढ़ लो अच्छा नंबर आ जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है। आप जो पहले से पढ़ रहे थे, ठीक है, आप जो पहले से बुक का इस्तेमाल कर रहे थे उसी बुक से इस समय स्टडी आपको करना है, कोई भी नई बुक का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं कि जिस दिन, ठीक है, जितने दिन पेपर के बचे हैं उस समय एक टाइम टेबल बनाएं, ठीक है। मैंने अभी ऊपर बता दिया आपको, क्या बता दिया कि टाइम टेबल बना करके आप लोग पढ़िए जितने दिन पेपर में बचे हैं। वैसे तो आपके पास में ज़्यादा समय नहीं बचा है, लगभग के लिए 15 जुलाई में, ठीक है, 15 जुलाई के या समथिंग में क्या आ जाएगी आपकी डेट शीट जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। डेट शीट बता दिया जाएगा कि आपको जो है इस हिसाब से क्या पेपर देना है, तो लगभग के लिए आप बस इंतज़ार कर लिए, 15 जुलाई का इंतज़ार करिए, 15 जुलाई के बाद में डेट शीट आपकी आने वाली है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, किसी नई बुक की तरफ ध्यान नहीं देना, हो सके तो पुरानी बुक से ही स्टडी करना है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं इसमें कि पढ़ाई का सबसे अच्छा समय क्या होता है, तो पढ़ाई का सबसे अच्छा समय होता है शाम का। शाम को आप जितना पढ़ेंगे वो क्या हो जाता है, बहुत अच्छे से याद हो जाता है। इस टाइम क्या होता है, आपको कोई टेंशन भी नहीं रहती है, जैसा कि कोई परीक्षा के बारे में जानकारी आएगी तुरंत हमें हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को बता देंगे, ठीक है। बस आप पेशेंस बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है। आगे क्या है, अगर आपका विश्वास हमारे ऊपर रहेगा तो बहुत अच्छी बात रहेगी, ठीक है। मैं आप सभी को बता दूं कि 15 जुलाई को डेट शीट जारी कर दिया जाएगा कि इस तरीके से पेपर होना है, और पेपर की एक्सपेक्टेड डेट मैंने आप सभी को बता दिया 30 जुलाई तक आपके संभवतः एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, यदि आपको किसी भी विषय से संबंधित कोई भी जानकारी लेना हो तो हमारे इस नंबर पर संपर्क करिए। हमारा नंबर है 8299736317, ठीक है। इस पर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी विषय संबंधित है। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट कम आती है तो किस तरीके से पढ़ाई करें उस चीज़ के बारे में हम लोग बताएंगे, अच्छे से अच्छे आप लोगों को टाइम टेबल बताएंगे, अच्छे से अच्छे पढ़ाई करने का तरीके बताएंगे, अच्छे से अच्छे आप लोग को जुगाड़ बताएंगे किस तरीके से आप पढ़ाई करें। अगर आपने अभी तक कोई भी वीडियो या फिर कोई भी क्लास नहीं करा है, कुछ भी नहीं आता, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हम अच्छे से अच्छे आपको बताएंगे। हमारे चैनल के माध्यम से सभी सेमेस्टर के 10 दिन हार्ड रिवीजन कोर्स, ठीक है, फिर से समझ लीजिए, 10 दिन 10 डे हार्ड रिवीजन शुरू कर दिया है, ठीक है। अभी मैंने थर्ड सेमेस्टर के डाला था, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर की मैंने मैथ डाला है, ठीक है, और ये 11 बजे प्रतिदिन आएगा। 10 दिन के अंदर हम पूरी थर्ड सेमेस्टर की मैथ को क्लियर कर लेंगे, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर की मैथ को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। यदि आप कोई कोर्स लेना चाहते हो तो हमारे चैनल से जुड़े, यानी पेड कोर्स नहीं रहेगा, सारे कोर्स हमारे फ्री हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कोई भी हमारा पेड कोर्स नहीं है, ठीक है। तो आप लोग करिए क्या, हमारे चैनल को अधिक से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं सभी की समस्याओं का निदान करूँगा, ठीक है, सभी की समस्याओं को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपके बारे में अभी भी, आपके मन में अभी भी कोई डाउट है, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो सीधे हमारे नंबर पर कॉन्टेक्ट करिए। डेट शीट से संबंधित है, एग्ज़ाम डेट से संबंधित है, या फिर कोई आपका ऐसा पेपर है जो तैयार नहीं हो पा रहा है, या मतलब आपका ऐसा कोई पेपर है जो आप बहुत कमज़ोर हैं उस पेपर में, ठीक है, तो उसके बारे में आप लोग क्या करें, हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे नंबर से जुड़ जाइए, ठीक है। अगर आपको अभी भी दिक्कत नहीं, अब दिक्कत अगर आपके सॉल्व हो गई हो तो लेता हूँ आप फिलविदा। बस जाते जाते बता दूँ कि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है।